दोस्तों, अगर आपके पास अंदानी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है और अंदानी इलेक्ट्रिसिटी जो हर मंथ आपके एड्रेस पे फिजिकल बिल भेजते हैं और आप ज़्यादातर फिजिकल बिल का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि आप अंदानी के सेंटर में जाकर बिल आप नहीं भरते हो, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर लेते हो, जैसे कि फिजिकल बिल की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होता, बस आपको जो बिल का प्राइस होता है आपको वही पता करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करने से आपको केवल MRP आपको पता होना चाहिए और फिजिकल बिल आपको कोई ज़रूरत नहीं पता है। तो कैसे आप फिजिकल बिल को कैसे आप बंद करेंगे, जो कि आपको हर मंथ जो आपका फिजिकल बिल जो आपके एड्रेस पर आता है वह आना बंद हो जाए, इसके बजाय आप हर मंथ आप 10 रुपया आप बचाव कर सकेंगे। यदि आपको बिजली बिल चाहिए तो आप अपने बिजली बिल को आप अपने ईमेल पे भी मंगवा सकेंगे, जो कि इसका कोई भी आपको चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा, और जो भी हर मंथ का जो बिल है आप इसका बिल का जो राशि होता है आप अपने मोबाइल नंबर भी आप मंगवा सकेंगे। इसके लिए आपको एक्टिव करना है, इसके लिए भी आप कोई भी प्रकार का आपको चार्जेस आपको नहीं देना। तो कैसे आप फिजिकल बिल को कैसे आप बंद करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते, तो आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है अंडानी इलेक्ट्रिसिटी। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट ही लिंक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड आपको 3 अंडरलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉगिन एंड रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना यूजर नेम को फिल करेंगे, यानी पासवर्ड को आपको फिल कर देना है। इसके बाद आप आई एम नॉट रोबोट को क्लिक करेंगे एंड लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, या फिर आपने अंदानी इलेक्ट्रिसिटी में आपने अकाउंट को क्रिएट किए लेकिन आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको नहीं पता, तो इसके लिए आपको फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड पे क्लिक कर आप अपने अंदानी इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका यूजर नेम पासवर्ड आपने पहले बनाए थे आप पता कर सकेंगे, या फिर आप अंदानी इलेक्ट्रिसिटी में आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड नाम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करेंगे, मीटर नंबर फिल करेंगे, आई एम नॉट रोबोट को क्लिक करेंगे, यानी वैलिडेट का अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इसी पेज पर आपको दोबारा आ जाना है। यहाँ पर आपने जो भी यूजर नेम आपने बनवाए उसे फिल करेंगे, पासवर्ड पर फिल करेंगे एंड आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको डाउन करेंगे, जो आपका करंट बिल का जो आपका बिल होगा यहाँ पे शो होने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो करंट बिल है यहाँ पे 0 है। इसके बाद इसको डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर शो करेगा, कंज्यूमर नेम शो करेगा, बिल मंथ शो करेगा, यूनिट कंजम्पशन शो करेगा, टोटल बिल अमाउंट जो आपका करंट बिल शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको 3 अंडरलाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड। इसके बाद आपको जहाँ पर आपका नेम्स रहेगा यूजर नेम यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको डाउन करने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर इसको डाउन करेंगे। यहाँ पर आपका कंज्यूमर नेम एंड कंज्यूमर नंबर यहाँ पर शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इसको डाउन करेंगे। इसके बाद जो भी आपका फिजिकल बिल आपके एड्रेस पे दिया जाता था यहाँ पे आपका लैंग्वेज सेलेक्ट होगा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसको डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो पेपरलेस बिलिंग है आपको इसको यदि आपका ऑफ रहेगा तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको कुछ लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद देखेंगे अकाउंट अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको डाउन करेंगे, यदि आप जो आपका मंथली बिल है आप ईमेल अलर्ट चाहते हो जैसे कि, तो इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो आपका बिल मंथली बिल है वो आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा, फिजिकल ई ईमेल के द्वारा आपको ईमेल पर भेज दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ चुका है कि आपने ई बिल कंज्यूमर के लिए एक्टिवेट कर चुके हैं,
तो फिर इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यदि आप अपने मोबाइल जो अंदानी इलेक्ट्रिसिटी के में मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर भी आप एक SMS चाहते हो तो आपको इसको भी आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद देखेंगे यहाँ पर भी मैसेज आ चुका है, अभी मेरे एड्रेस पर फिजिकल बिल अभी आना बंद हो जाएगा, तो आपको ये तीनों को आपको ऑन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने जो आपके फिजिकल बिल आपके एड्रेस पर आता है आप इसे बंद करवा सकेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।